एक ही बिल्डिंग में सोए थे 196 मजदूर। सुबह 4 बजे बिल्डिंग में लगी आग और कुवैत अग्निकांड का काला सज्जान होंगे हैरान। कुवैत अग्निकांड ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। इस घटना में सबसे ज्यादा नुकसान भारत का हुआ है। भारतीय मजदूरों की इस कांड में सबसे ज्यादा जाने गई हैं। खबर है कि 50 मजदूरों में से 40 तो भारत के ही मजदूर हैं। अब कुवैत अग्निकांड का सच सामने आ गया है, जिसमें ये सामने आया है कि कैसे 196 मजदूर एक ही बिल्डिंग में ठूस ठूस कर रखे गए थे और सुबह 4 बजे बिल्डिंग में आग लगने की वजह से नींद में इन मजदूरों की जानें चली गई। आग और धुएं की वजह से मजदूरों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इतनी जानकारी तो बस फौरी तौर पर है। फिर चलिए जानते हैं इस घटना का पूरा काला सच क्या है। दरअसल साउथ कुवैत के मंगाफ में NBTC ग्रुप ने अपने मजदूरों को रखने के लिए एक बिल्डिंग को किराए पर लिया था। इस एक ही बिल्डिंग में 196 मजदूरों को रखा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बिल्डिंग की क्षमता से कहीं ज्यादा मजदूर इसमें ठूस ठूस कर रखे गए थे। अब मजबूरी क्या न कराए, सभी मजदूर मन मार कर एक ही बिल्डिंग में रह रहे थे। नाइट शिफ्ट करने के बाद बुधवार की सुबह सभी मजदूर बिल्डिंग में सो रहे थे। बताया जा रहा है कि जिस बिल्डिंग में मजदूर रह रहे थे उसमें सुबह 4 बजे 6 मंजिले फ्लोर पे आग लगी। एक तो मजदूरी की थकान और दूसरे नींद में रहने की वजह से मजदूरों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। साथ ही तंग जगह होने की वजह से उनको भागने तक का भी मौका नहीं मिला। हालात ये हो गए थे कि जान बचाने के लिए कुछ मजदूरों ने तो बिल्डिंग के नीचे ही छलांग लगा दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि पूरी बिल्डिंग में एक ही एंट्री गेट था। वहीं बिल्डिंग का छत भी पूरी तरह से बंद था, जिसका नतीजा ये हुआ कि जल्दबाजी में गेट से निकलने में सभी मजदूर असफल रहे और ना ही छत पर भाग कर ही अपनी जान बचाने में सफल हो पाए। अब जबकि कुवैत अग्निकांड के ऐसे हालात सामने आ चुके हैं, कुवैत के अमीर मिशल अल अहमद अल जबेर सबाह ने इस पूरी घटना के जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही इस अग्निकांड में कुवैत सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है। कुवैत सरकार ने इस मामले में बिल्डिंग के मालिक को गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस बिल्डिंग में आग लगी थी उसके मालिक का नाम KG अब्राहम है, जो कि एक मलयाली कारोबारी है। KG अब्राहम भारत के ही केरल के तिरुवल्ला का रहने वाला एक बिजनेसमैन है। उसकी कंपनी 1977 से ही कुवैत ऑयल एंड इंडस्ट्रीज का हिस्सा रही है और जिन मजदूरों की जाने गई हैं वो सभी इसी कंपनी में काम करते थे। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।